हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो बिल्कुल आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो रीट रिजल्ट है उससे जुड़ी जो बिल्कुल बहुत बड़ी अपडेट है वो इसको इस वीडियो में बिल्कुल मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसमें हम बात करेंगे कि इसका रिजल्ट है वो कब तक जारी होने वाला है और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति है वो कब तक मिलेगी। इन सारे मुद्दों पर बिल्कुल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको राजस्थान सरकार से जुड़ी किसी भी वैकेंसी संबंधित कोई भी अपडेट हो वो सर्वप्रथम दे दी जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात करते हैं रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल इस न्यूज़ की बात करते हैं। शिक्षक भर्ती लेवल 1 का परिणाम है वो मई में और लेवल 2 का जून में विषयवार आएगा, ठीक है। तो ये थी हेडलाइन की, भाई जो अपना शिक्षक भर्ती का रिजल्ट है वो कब तक है। तो लेवल 1 का तो मई में आ जाएगा और लेवल 2 का है वो जून में आ जाएगा। अब पूरी खबर क्या है उसकी मैं आगे बात करूँ तो बिल्कुल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के परिणाम को लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा है। बोर्ड ने जहाँ पहले तो अप्रैल में बात कर रहे थे, फिर मई में, मई के पहले सप्ताह में आने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसमें देरी हो रही है और बोर्ड अब इस भर्ती को परिणाम एक साथ जारी नहीं करेगा। बिल्कुल ये चीज़ है कि अब की बार जो रिजल्ट है वो आपका एक साथ नहीं आने वाला है। बोर्ड ने अब इस भर्ती में लेवल 1 का परिणाम तो मई के अंत तक, यानी लेवल 1 का तो मई के अंत तक आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा इसका तो, लेकिन लेवल 2 का परिणाम की बात करें तो 15 जून तक जारी करने का दावा किया है। यानी 15 जून से पहले पहले है वो आपका लेवल 2 का परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो बोर्ड का कहना है कि आपत्तियों की अधिक संख्या के चलते परिणाम में देरी हुई है, आपत्तियों के निस्तारण का काम चल रहा है, ठीक है। ये तो बोर्ड का बिल्कुल वही कब का ही कि यही बात बोल रही है कि बिल्कुल आपत्तियाँ आपत्तियाँ। और रही बात आगे की, परिणाम किस तरह जारी होगा, तो इस तरह जारी हो सकता है परिणाम, ठीक है। बोर्ड का दावा है कि पहले लेवल 2 में विषयवार परिणाम जारी होगा। विषयवार यानी कि जितने अलग है, जैसे SST है, साइंस मैथ है और हिंदी है, उस हिसाब से बिल्कुल अलग अलग इनका विषयवार परिणाम आने की बिल्कुल पूरी संभावना है। सबसे पहले अगर किस विषयों की बात करें तो बिल्कुल रिजल्ट उन विषयों का रिजल्ट घोषित होगा जिनमें अभ्यर्थियों की क्या है, संख्या अधिक है, यानी जिनमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी की संख्या है उनकी है बिल्कुल पहले रिजल्ट आने की संभावना है। यानी सामाजिक अध्ययन, SST, विज्ञान और हिंदी का रिजल्ट पहले आ सकता है, ठीक है भाई। सामाजिक यानी SST और साइंस मैथ के हैं ज़्यादा स्टूडेंट और हिंदी के भी है, तो इनका रिजल्ट है वो पहले आने की संभावना है, बात है। आगे मैं बात करूँ तो जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनकी भी आगे चर्चा करेंगी, उन्होंने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले ये खबर हो रही है कि 9 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं परिणाम का इंतजार। बिल्कुल 9 लाख एग्जाम ने मतलब बैठे हैं एग्जाम में, और बिल्कुल 48,000 पदों के लिए अध्यापक भर्ती का आयोजन 25 से 1 मार्च तक हुआ था। इसमें 9.02 लाख अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी। लेवल 1 के 21,000 और लेवल 2 के पदों की संख्या 27,000 है, ठीक है। ये तो पदों का और एग्ज़ाम की बात है। अब बिल्कुल जो बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा, उनका क्या कहना है, तो उनका कहना है कि लेवल 2 का परिणाम विषयवार जारी किया जाएगा, ठीक है। ये बात हम पढ़ चुके हैं ऊपर, और लेवल 1 का परिणाम मई के अंत तक एवं लेवल 2 का परिणाम 15 जून तक जारी करने का प्रयास किया जाएगा। आपत्तियों के निस्तारण का काम चल रहा है, तो ठीक है। तो ये है हरिप्रसाद शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उनके द्वारा मतलब बात कही गई है, ठीक है। तो ये थी आज की रीट रिजल्ट से जुड़ी खबर, और बिल्कुल आपका परिणाम है बिल्कुल जो लेवल 1 का है तो मई महीने में अंत तक आ ही जाएगा, और लेवल 2 की बात करें तो स्टार्ट से मतलब जो 15 जून है तब तक तो साहित्य सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट जो आना वो शुरू यानी कि जून स्टार्ट से ही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आगे भी कोई अपडेट आती है तो इससे संबंधित वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।